आज जो सॉन्ग हम लोग कर रहे हैं इसमें रजत बेदी और मिंक की शादी उसका ये गाना है, जिसमें फैजल खान और प्रिया गिल जो एक दूसरे को पसंद करते हैं इस गाने में वो अपना इजहार करते हैं कि मैं आपको पसंद करता हूं। म्यूजिक के बारे में मुझे बिल्कुल 1% भी शक नहीं है कि ये नहीं पसंद किया जाए। जो परंपरा है हमारी संगीत की कि जिसमें संगीत को ज्यादा महत्व दिया जाता है वो आजकल जो चल रहा है वो नहीं, मेलोडी, इसमें आपको मेलोडी और शब्द खास तौर से अच्छे मिले। इस पिक्चर में शायरी और संगीत दोनों के पलड़े भारी हैं, यानी सुनने वाले ये नहीं कह सकते कि भाई शायरी कमजोर है या संगीत कमजोर है। और इसमें मेरे प्रोड्यूसर HS तनेजा, उनका बहुत बड़ा हाथ है। एक्चुअली 2.5 साल से बना रहे, इसकी मेहनत करी हमने, सब्जेक्ट की और म्यूजिक की भी, इसमें मैंने सबको ब्रेक दी है। आज का जो गाना है ये शादी का है, मैरिज है मिंक की, और फैजल आदित्य पंचोली इसके भाई हैं, और आज उनका मैरिज का गाना है, शादी की पार्टी है, सॉन्ग है और विदाई सॉन्ग है। दिस इज ए लव स्टोरी, इट इज नॉट टोटली वॉर, दिस इज लव एंड वॉर, दिस इज ए लव स्टोरी, द गर्ल बिलोंग टू पाकिस्तान। आई प्लेइंग अ पंजाबी गर्ल एंड आई एम प्लेइंग अ वेरी वेरी हैप्पी, वेरी यू नो लाइक दिस फुल ऑफ लाइफ गर्ल्स। So basically, I was very happy to be doing this film because of the main reason being that the girl was a Punjabi character. So I guess I like that the most. See, like when you hear a story, the director comes to you, you listen to the whole subject and everything, and first of all, you like the subject. That's when you talk further. You know, you have more talks. And the moment he tells you that, okay, this is the character, this is the role, and this is how the girl is in the movie, and you know, I play this character who is responsible for uniting, जिसे आप सूत्रधार कहते हैं, and doesn't, I mean, the fact that it's across the border, you know, it doesn't stop me. Basically, I believe that it's a very big world out there, and let us all be bound by love, rather than any kind of partitions or any kind of restrictions made by man. That's the character I play. जब आप गाने सुनेंगे तो जस्ट लिसनिंग टू देम पिक्चराइजेशन के बिना जब मुझे ऐसा फील हुआ था, आई एम श्योर वंस वी विजुलाइज इट एंड द विजुअल्स आर रेडी, देन आई एम श्योर द इफेक्ट विल बी ट्रेमेंडस।